हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत डिजाइंस। तो आज हम बनाएंगे सलवार के पोंचे का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन, जिसे हम स्टोरी के साथ रेडी करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पोंचे के लिए मैंने ऐसे बुकरम लिया और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच भी कर लिया है। कई बार क्या होता है, हमारा ये फैब्रिक पतला होता है और हमारी ये बुकरम ट्रांजी होने लगती है, इसलिए मैंने बिल्कुल बुकरम के बराबर डबल फैब्रिक कट किया है इस तरीके से। और जब हम ऐसे पोंचा सिल के इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी ये बुकरम ट्रांजी नहीं होगी पीछे से सलवार के बीच में से। तो अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये डोरी लूप्स वाले डिजाइन काफी डाल रही हूँ। तो मैंने आपको ये, आपने ध्यान दिया होगा कि हर डिजाइन में मैंने आपको वेरिएशन दी है डोरी लूप्स की, क्योंकि ये डिजाइन काफी ट्रेंडी है आजकल और चल भी बहुत रहे हैं, बन भी बहुत रहे हैं मेरे बुटीक पे। इसीलिए मैं आप सबको भी अलग अलग डिजाइन बता रही हूँ ताकि आप भी अपने सूट्स को इसी तरीके से डिजाइनर बना सको। तो ऐसे देखिए, मैंने बिल्कुल पोंचे के बराबर कपड़ा लेते हुए इसको स्टिच कर लिया है बुकरम को एक तरफ से। अब मैं इसको ऐसे करके भी स्टिच कर लूंगी, ऐसे, यानी कि बुकरम को बिल्कुल मैंने कवर कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी, और नीचे तो हमें सिलाई लगानी है जब हमें इसको सलवार पे स्टिच करना है, तो ऊपर मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो ऐसे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बंद वाली साइड पे ऐसे सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए, तो अब मैं इस तरफ भी सिलाई लगा दूंगी बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे। तो अब हम अपने पोंचे पे इस डोरी को स्टिच करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी डोरी को बिल्कुल बराबर बराबर कट कर लेंगे। तो मैं ऐसे 3-3 इंच की डोरी कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी ये रखना चाहो, अगर छोटी रखना चाहते हो तो आप छोटी भी कट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने 3-3 इंच की डोरियां कट करनी है। तो ऐसे मैंने डोरियां कट कर ली हैं, तो अब मैं आपको दिखा दूं कि इसको स्टिच कैसे करना है हमने। तो इस तरीके से हम जो हमने सिलाई बुकरम के साथ साथ लगाई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही हमें अपनी डोरी को रखना है और ऐसे स्टिच करते जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना गैप लेना है और इसको कैसे स्टिच करना है। तो पहले हम इसको इस तरीके से एक लूप को इतने गैप पे, लगभग 1.5 इंच के गैप में स्टिच कर लेते हैं। तो इधर से मैं 1 इंच छोड़ के लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा सिलाई में चला जाता है, इसलिए इसको मैं 1 इंच छोड़ के लगा रही हूँ। तो ऐसे एक कोने पे सिलाई लग चुकी है और जो दूसरा कोना है लगभग 1.5 इंच के गैप पे हम रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहो तो 1.5 इंच को मार्क भी कर सकते हो, अगर नहीं मार्क करना चाहते तो आप बिल्कुल इक्वल इक्वल लगाएं। तो ऐसे देखिए, एक डोरी हमारी ऐसे स्टिच हो चुकी है, अब हमने दूसरी डोरी को स्टिच करना है। तो दूसरी डोरी हमें गैप पे नहीं, बिल्कुल उसके बीच में से स्टार्ट करनी है इस तरीके से। तो जैसे इसको बीच में से शुरू किया है तो हमने गैप बिल्कुल बराबर रखना है। जैसे ये डोरी हमने 1.5 इंच के गैप पे स्टिच की है, तो इसको भी हमने 1.5 इंच के गैप पे ही स्टिच करना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको मार्क करके स्टिच करें, अच्छी फिनिशिंग आएगी, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये दो डोरियां हमारी ऐसे स्टिच हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक और डोरी इसी तरीके से बीच में रख के स्टिच करके दिखा देती हूँ। आप, हमने सारी ही डोरियां इस तरीके से अपने पोंचे पे स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, ऐसे हमारे सारे पोंचे पे सारे लूप स्टिच हो चुके हैं, और जब हम इसको सलवार पे स्टिच करेंगे तो ये हमारे जो लूप्स है वो इस तरीके से नीचे वाली साइड की तरफ आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाती हूँ सलवार के ऊपर। तो ऐसे देखिए, सलवार की मैंने सीधी साइड ली है, मैंने इसको पूरी तरह से रेडी कर लिया है, और ये इसकी मोरी वाली साइड है। तो अब हमने अपने पोंचे को इस तरीके से ऊपर रखना है उल्टा करके, ये हमारे लूप वाला सीधा साइड है, अब हम इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे। और जो सिलाई के साथ हमने लूप स्टिच किए हैं और बुकरम के साथ साथ वो वाली सिलाई है, तो अब हम उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला देंगे। तो बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है जिससे हमने लूप स्टिच किए हैं और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगी हुई है। तो इस तरीके से हम सलवार को नीचे रखेंगे और बिल्कुल बराबर बराबर मार्जिन लेते हुए उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं ये जो डिज़ाइन है वो स्ट्रेट सलवार पे बना रही हूँ, आप चाहो तो पैंट कैप्री कहीं पे भी बना सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और बिल्कुल लेटेस्ट भी है।
देखिए मैंने पोंचे को सलवार के ऊपर रख के सिलाई लगा लिया इस तरीके से। अब हम पोंचे को उल्टी साइड पे पलट देंगे और जो हमारे लूप है उसको इस तरीके से नीचे वाली साइड की तरफ ले आएंगे। ऐसे हमने पोंचे को अंदर वाली साइड में ले जाना और ये जो लूप है हमारे इस तरीके से हम बाहर वाली साइड में ले आएंगे। और अब हम क्या करेंगे, सलवार को भी हम उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ ऊपर वाली साइड में एक सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो। तो ऐसे देखिए ये हमारे सलवार की उल्टी साइड है। अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऐसे मैंने ऊपर सिलाई लगा ली है और सीधी साइड से ये ऐसे आ गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाने जा रही हूँ, आप जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ऊपर सिंपल सा पैटर्न बनाया क्योंकि हमें पूरी लुक लुपीज की देनी है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसे हमारा पोंचा ये रेडी हुआ हुआ। तो अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो पहनने के बाद देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी ये सलवार। तो ये जो पोंचा है वो मैंने स्ट्रेट सलवार पे बनाया है, आप चाहो तो फुल पटियाला पे भी बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीड डिज़ाइंस। थैंक यू।